हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल गॉर्जियस पार्टी लुक विद क्विक फिक्स नेल्स। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए नए अपलोड्स हमेशा मिलते रहे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें बिकॉज आपको मैं अपडेट देती रहती हूँ मेरी लाइफ की जर्नी का, प्लस आपको मोटिवेट करती रहती हूँ और नई नई चीज़ें और नॉलेज शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो आपको अगर ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है मेरे से तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ हमेशा जुड़ते रहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं लोकमत कैलेंडर लॉन्च के लिए जा रही हूँ। तो अब हम अपना मेकअप बेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं ये मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ जो कि एक्ने प्रोन एंड मैट फिनिश देता है मेरे फेस को। तो ज़्यादा यूज़ करूँगी बिकॉज ये विंटर्स हैं, स्किन भी ड्राई हो जाती है, इसलिए पूरा अच्छे से मॉइस्चराइज़र किया है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा ये यूवी सनस्क्रीन प्रोटेक्शन। दो इट्स इवनिंग इवेंट, फिर भी सनस्क्रीन यूज़ करना इम्पोर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। तो सनस्क्रीन भी मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। मेरा ये फाउंडेशन बेस्ड सनस्क्रीन है, इसीलिए आपको मेरा फेस बगैर फाउंडेशन के भी आपको ये थोड़ा सा वाइट लग रहा है। मैं ये सीबम प्रो रिफाइनर यूज़ करती हूँ जो कि हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसको भी आप जहाँ पे आपके पोर एरिया आपको लगते हैं वहाँ पे हल्का हल्का आप इसको थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड आउट कर दें। बहुत है, स्मैश बॉक्स का होता है, इनसाइड कॉस्मेटिक का है, शुगर का है, बट मुझे ये रिफाइन वाला अच्छा लगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मेरे ओपन पोर्स है तो इसकी वजह से थोड़ा हाइड हो जाए। ये लिक्विड एल्यूमिनेटर है इनसाइड कॉस्मेटिक का, इसको मैं थोड़ा लूँगी। ये थोड़ा सा लेने के बाद अब मैं इसके साथ ही थोड़ा फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ। ये सिफोरा का फाउंडेशन है इन द शेड क्लियर लाइट। सबके नेम्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। अब ये दोनों को मैंने इस तरह से मिक्स किया है एंड मैं अब ये फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। तो अगर आपके पास ब्रश या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जिसके साथ आपको ब्लेंड करना डिफिकल्ट लगता है तो आप सिंपली फिंगर, जैसे नेचुरली हम नॉर्मली पाउडर जैसे लगाते हैं उस तरह से आप ब्लेंड कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा वाइट लगेगा आपको इनिशियली, बट एज द टाइम पासेस आप थोड़ा मेकअप सेट हो जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इवन मैंने फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हैं। तो जिनके डार्क सर्कल्स नहीं होते दे आर ब्लेस्ड, और अगर जिनके हैं उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से सिर्फ आई अंडर आई के यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर कंसीलर लगा सकते हो आप। इस तरह से आप उसको ब्लेंड करो। फाउंडेशन कॉम्पैक्ट है, भी कर सकते हो, सेट कर सकते हो। बहुत ही अनप्रोफेशनल वे है मेकअप करने का, बट द पॉइंट इज आप हमेशा पार्लर तो जा नहीं सकते, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो सीखना पड़ेगा ना घर पे। पार्लर पॉसिबल नहीं होता, घर पे भी आपको पार्टी मेकअप अगर आए तो बहुत ही अच्छा है। शैडो हम लगाएंगे सिफोरा के पैलेट से, मैं हमेशा यही पैलेट यूज करती हूँ, नेचुरल टोन देने वाली हूँ पूरे इसमें। कभी भी आप आई शेडो लगाते हो तो जैसे कुछ लोग सिर्फ इतने पोर्शन में ही आई शेडो लगाते हो तो ऐसा ना करके आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे तो इससे क्या होगा, जब आपके आप आंखें खोलते हो तो ये पार्ट आपका दिखता है। ब्लू कलर नहीं है मेरे पास तो मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा ब्राउन कलर ये आउटर कॉर्नर्स पे। ब्लेंडिंग करना अच्छा है, अदरवाइज बहुत ही अनइवन लगता है। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये कलर थोड़ा सिल्वर है तो मैं
जस्ट बीच में यहाँ पे थोड़ा सिल्वर शिमर दे रही हूँ। बहुत ही इजी आसानी से मेरे ये आई शेडो रेडी हो गया है। यू कैन टेक अ लुक। और अब मैं आईब्रो पेंसिल है ये, मैं यूएस से लेके आई थी। दिस इज एल्फ, एल्फ कॉस्मेटिक का एक ब्रांड है यूएस में। दो अभी मैंने यहाँ पे इंडिया में भी देखा है, तो ये अवेलेबल है यहाँ पे भी। इट इज़ वेरी नेचुरल फ्रेंड्स, एंड बिल्कुल भी डार्क नहीं है। डार्क मतलब डार्क जेट ब्लैक नहीं लगता है, बहुत ही नेचुरल है ये। तो आप इसको यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। अगर मुझे ये प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया के साइट्स पे मिला, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नेम और ये डेफिनेटली दूंगी, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अब मैं लगा रही हूँ आई लाइनर। ये लैक्मे का आई लाइनर है। आईलाइनर लगाने के बाद थोड़ा सा काजल, या फिर आप फ्रेंड्स अगर आपको काजल नहीं लगाना है तो आप ये भी कर सकते हो। थोड़ा सा ब्राउन जो शेड हमने ऊपर लगाया था वो ही आप यहाँ पे ऐसे रिपीट कर सकते हो। अगर किसी किसी को काजल की एलर्जी है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से आप जो आई शेडो है उसमें का कोई भी डार्क कलर लेके आप इस तरह से आप उसको ब्लेंड कर सकते हो। लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा मेरे पास ये भी, मैंने यूएस लिया था खुश मस्कारा, ये अच्छा है। अर्बन डिके का भी अच्छा है, रेवलॉन का भी अच्छा है। और अच्छे मस्कारास पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। आप ऊपर मस्कारा लगाते हो तो नीचे भी लगाएं। प्रोफेशनल नहीं है बट इट्स ओके काइंड ऑफ मेकअप एंड इट गोज वेल। अब हम पहुँच लेते हैं, लेट्स डू आवर ब्लश। और आपको चाहिए तो आप हल्का सा कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो ये स्टेज पे। सो मैं जस्ट हल्का सा कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ। इस तरह से कॉन्टोरिंग करें। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू मेकअप, तो आप डेफिनेटली लिंक सॉरी आप डेफिनेटली इसमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो। बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, हर कोई प्रोफेशनल नहीं है और ना ही हमको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मेकअप करना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ एवरी वन। वी आर नॉट हियर फॉर एनी बिजनेस, बट जो भी अगर आपको थोड़ा बहुत अपना सेल्फ ग्रूमिंग भी आ जाए तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। ऑलमोस्ट रेडी है फ्रेंड्स। अब मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक, जो मैं दो कलर्स मिक्स करने वाली हूँ। एक मरून है इसके साथ में थोड़ा सा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है।
बहुत ही अच्छा शेड है ये फ्रेंड्स, दोनों के नेम्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये ग्लेज का है एंड ऑलमोस्ट आई एम रेडी फ्रेंड्स, मेरा मेकअप हो चुका है, बहुत ही सिंपल एंड क्विक मेकअप था ये। तो मेरे फ्रेंड्स अभी हम मेकअप प्रेप एंड प्राइम का मेकअप फिक्स लगाने वाले हैं गोल्डी लाइट। इस तरह से जब तक मैं ज्वेलरी पहनती हूँ तब तक मेकअप सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं फ्रेंड्स ये लगाने वाली हूँ, आप देख सकते हो इस तरह से ये फेक नेल्स हैं एंड मैं जनरली ग्लू नहीं लगाती हूँ बिकॉज आई डोंट फील सो कंफर्टेबल विद द ग्लू, और जब मैं नेल्स रिमूव करती हूँ तो मेरे नेल्स भी चिप ऑफ हो जाते हैं। तो इसके लिए ये स्टिक, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिला है अमेजोन से। इसको अगर आपको मैं लगा के दिखाती हूँ, बहुत ही ईजिली आप इसको लगा सकते हो नेल्स को। तो सबसे पहले आप नेल्स को रिमूव करेंगे एंड तो इसमें से आप जब छोटे फिंगर में आप लगा रहे हो, पहले स्मॉल वाला लेके आप इस तरह से इस तरह से आपके फिंगर में इसको लगा सकते हो और उसके ऊपर आप ये वाला नेल जैसे इस तरह से आप अटैच कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल वे। क्विक एंड ईजी है ये नेल्स लगाना, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आप ऐसे लगा के इस स्टिकी नोट से आप अपने नेल्स को बहुत ही खूबसूरत ईजिली इन मिनट्स बना। अच्छा ये यहीं पे गिर रहा है सो दैट आई कैन ऐड फ्यू मोर। अगर ऐसा हो तो आप स्टिकी नोट्स अपने साथ, ये जो स्टिकी टेप है वॉट एवर नेल ग्लू या जो भी आप इसको कहे, ये आपके साथ जहाँ भी जाओ वहाँ पे कैरी करो सो दैट अगर आपका नेल बाहर भी निकल के आए तो आप तुरंत इजीली उसको फिक्स कर सकते हो। सो इट्स वेरी सिंपल क्विक एंड ईजी। सो लेट मी फिनिश दिस ऑफ। तो आपको अगर ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है मेरे से तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ हमेशा जुड़े।